गुड इवनिंग। आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं काइनेटिक्स का तीसरा पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, और जिसका फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलरिटी। तो डाला जाए टॉपिक मॉलिक्यूलर। अब फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये आया कि मॉलिक्यूलरिटी आखिर होती क्या है, तो मॉलिक्यूलरिटी का मीन्स क्या है ना। मॉलिक्यूलरिटी का मीन्स है कि रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं, इस बात को हम मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। किसी रिएक्शन में जितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे इस प्रोसेस को, उतने मॉलिक्यूल को हम मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। ठीक है, तो लिख लो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल टेक पार्ट इन ए रिएक्शन इज नोन एज मॉलिक्यूलरिटी। अब क्वेश्चन ये आया कि क्या मॉलिक्यूलरिटी हमेशा जो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसके इक्वली होगी क्या। तो यहाँ पर दो केस बनते हैं, अगर कोई रिएक्शन सिंगल स्टेप है तो उसमें जितने मॉलिक्यूल दिखेंगे उसकी मॉलिक्यूलरिटी उतनी ही हो जाएगी। एग्जाम्पल में हम यहाँ पढ़ते हैं 4NH3। 4NH3 की रिएक्शन जब हमने 5O2 से कराई, दोनों ने रिएक्शन करके 4NO और 6H2O बना दी, तो आप बताओ बेटा इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी, कितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 9। तो इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 9 हो गई। कोई डाउट है कॉपी करो। दूसरी रिएक्शन हमारे पास ये है कि SnCl2+2FeCl3 की अगर हम रिएक्शन कराएं तो ये कन्वर्ट हो जाता है 2FeCl2+SnCl। तो क्या बताया जा सकता है इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी, इस रिएक्शन की जो अभी स्क्रीन पर है, इसकी मॉलिक्यूलरिटी 3 हो जाएगी, क्योंकि इस रिएक्शन में 3 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे। तो अगर कोई रिएक्शन सिंगल स्टेप होती है तो जितने रिएक्टेंट दिखे मॉलिक्यूलरिटी उतनी ही होगी। मैं जो भी कोर्स यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ वो सारे कोर्स गूगल प्ले स्टोर पर किंग केमिस्ट्री पर भी उपलब्ध है, आप वहाँ से परचेज कर सकते। तो अगर कोई रिएक्शन सिंगल स्टेप हो रही है तो आप रिएक्टेंट देखो और जितने रिएक्टेंट काउंट कर लें उतनी ही मॉलिक्यूलरिटी हो। तो इस रिएक्शन में 1, 2, 3 रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी 3 हो जाएगी। लेकिन अगर रिएक्शन मल्टी स्टेप्स है, रिएक्शन कई स्टेप में हो रही है, तो जो रिएक्शन का सबसे स्लो स्टेप होगा उस वही मॉलिक्यूलरिटी को डिसाइड करेगा। कब करेगा, जब रिएक्शन मल्टी स्टेप्स हो तो उस पर लिखा हुआ होगा ये स्लो स्टेप है और ये फास्ट स्टेप। तो हम एग्जांपल देखेंगे, हमारे पास एक रिएक्शन है और वो रिएक्शन है 2NO2 और F2 की। जब हमने रिएक्शन कराई तो हमें 2NO2 और F मिल गया, ये ओवरऑल रिएक्शन है। तो आप देखने से लग रहा होगा कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी 3 होगी क्योंकि 2NO2 और 1F2 टेक पार्ट कर रहे हैं, पर नहीं, इसमें मैकेनिज्म भी गिवन होगी जो आपको एग्जाम में मिलेगी। NO2 की रिएक्शन F2 से हुई और ये 2, जब रिएक्शन हुई तो NO2+F और F बन गया और यहाँ लिखा हुआ है स्लो। सेकेंड स्टेप में NO2 की रिएक्शन फिर F एटम से हुई और ये फिर से NO2F में कन्वर्ट और इस पे लिखा हुआ है फास्ट। तो क्योंकि हमें मैकेनिज्म गिवन है, तो जब हमें मैकेनिज्म गिवन हो तो जो भी सबसे स्लोएस्ट स्टेप वहाँ लिखा होगा, जिस स्टेप के ऊपर स्लो लिखा होगा वही उसका ऑर्डर हो जाएगा और वही मॉलिक्यूल। एक्चुअल में मल्टी मल्टी स्टेप्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी मीनिंगलेस। मल्टी स्टेप्स एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइन किए जाते हैं, तो जो मल्टी स्टेप्स की मॉलिक्यूलरिटी है वही ऑर्डर हो। तो जब हम इसका रेट लॉ लिखेंगे
जब हम इसका रेट लॉ लिखेंगे तो एनओ टू और वन मॉलिक्यूल एफ टू का हो जाए, तो इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी टू हो जाएगी और ऑर्डर भी टू हो जाएगी। ऑर्डर जो स्लो स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी होती है उसी को ऑर्डर भी बोलते हैं, क्योंकि ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइन होता है और हमने स्लो और फास्ट ऐसे देख के तो पता लग नहीं सकता, ये हमने एक्सपेरिमेंट से ही निकाला है। तो जो स्लो स्टेप की रिएक्शन होगी उसकी जो मॉलिक्यूलरिटी होगी वही उसके ऑर्डर के इक्वल भी हो जाएगी। वो अभी आएगा तो वन और वन टू हो गए, अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर थर्ड। एग्जाम्पल नंबर थर्ड में NO2 और CO की रिएक्शन हुई और इसकी रिएक्शन से ये NO प्लस CO2 में कन्वर्ट हो। अब देखने से लगेगा कि इस रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी या ऑर्डर 2 होगा और एक NO2 और एक CO पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन जब हम इसकी मैकेनिज्म के साथ में डील करते हैं तो इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, NO2 NO2 के साथ में रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके NO3 प्लस NO बना दे, और यहां लिखा हुआ है स्लो, यहां लिखा हुआ है स्लो। फिर हमने इसकी रिएक्शन NO3 की रिएक्शन CO से कराई और यहां लिखा हुआ है फास्ट, तो वापस से एक NO2 और CO2 बन गया। तो जब हम इसका ओवरऑल रेट लॉ लिखेंगे तो रेट लॉ हो जाएगा K इक्वल टू NO2 का स्क्वायर। तो इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 2 होगी, लेकिन वो मॉलिक्यूलरिटी सिर्फ और सिर्फ NO2 के रेस्पेक्ट में ही 2 होगी। और CO के रेस्पेक्ट में 0 हो जाएगी। क्लियर? हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। जब हम N2O की रिएक्शन कराते तो इसके टू मॉलिक्यूल का डिकम्पोजिशन होता है और उसके डिकम्पोजिशन से हमको 2N2 और प्लस O2 मिल जाए। देखने से हमें लगेगा कि इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी या एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर 2 होगा, लेकिन जब हम इसकी मैकेनिज्म देखते हैं तो N2O स्लो स्टेप कन्वर्ट इनटू N2 प्लस ऑक्सीजन एटम और फिर नेक्स्ट स्टेप में N2O प्लस O एटम फास्ट रिएक्ट करता है और फास्ट रिएक्ट करके N2 प्लस O2 बना। तो जब हम इसका रेट लॉ लिखेंगे तो रेट लॉ हो जाएगा K और N2O का एक ही मॉलिक्यूल आएगा, और एक ही मॉलिक्यूल क्यों आएगा, क्योंकि इस स्लो स्टेप में एक ही N2O प्रेजेंट। ठीक है, तो आप ये चारों एग्जांपल फटाफट कॉपी कर लें और हम चलते हैं कुछ और ऑर्डर को चेक करने के, ऑर्डर या मॉलिक्यूलरिटी चेक करने। अब हम जो ऑर्डर देखने वाले हैं वो है कि अगर रिवर्सिबल स्टेप प्रेजेंट हो, अगर किसी रिएक्शन में रिवर्सिबल स्टेप प्रेजेंट हो तो हम क्या करेंगे, तो देखना एग्जाम्पल। हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 5 है और ये 5 कहता है कि रिवर्सिबल स्टेप प्रेजेंट। रिएक्शन ये है कि ओजोन का डिकम्पोजिशन हुआ और इसके टू मॉलिक्यूल के डिकम्पोजिशन से 3O2 बन गए, ये ओवरऑल रिएक्शन है। इसकी मैकेनिज्म भी गिवन, इसकी मैकेनिज्म में क्या लिखा हुआ है कि O3 रिवर्सिबली कन्वर्ट इनटू O2 प्लस O और आगे फास्ट और लिखा हुआ, फिर O3 ने इस O से रिएक्शन करी और कन्वर्ट हो गया 2O2 में।
और कन्वर्ट हो गया स्लो। अब वो हमसे कहेगा इस रिएक्शन का रेट लॉ बताओ क्या होगा, इस रिएक्शन का रेट लॉ क्या होगा। तो अगर हमें थोड़ा ही आता है तो हम स्लो वाले को देखेंगे और रेट लॉ लिख देंगे। तो हम करते हैं इसका सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में अगर हमको कुछ नहीं आता तो रेट बराबर के ओ थ्री और ओ, और इसको एक क्वेश्चन नंबर वन मान लेते। लेकिन ये आंसर रॉन्ग है, क्योंकि इस रिएक्शन में रिवर्सिबल स्टेप प्रेजेंट। तो अगर रिवर्सिबल स्टेप प्रेजेंट हो तो हम क्या करें, हम उस रिवर्सिबल के लिए इक्विलियम कांस्टेंट लिखेंगे। इक्विलियम कांस्टेंट कैसे लिखा जाता है, प्रोडक्ट तो ऊपर आता है और रिएक्टेंट नीचे, तो ओ टू ऊपर आ जाएगा और ये ओ भी ऊपर। और नीचे आ जाएगा ओजोन। अब हम इसके बाद में ओवरऑल इक्वेशन को देखेंगे, और ओवरऑल इक्वेशन में क्या देखेंगे कि इस फर्स्ट इक्वेशन का कौन सी स्पीसीज ओवरऑल में नहीं है। इस रेट लॉ में स्लो स्टेप में जो भी स्पीसीज दे रखी है ओ थ्री और ओ, इनमें से कौन ओवरऑल में नहीं। तो ओ नॉट प्रेजेंटेड ओवरऑल, ओ नॉट प्रेजेंटेड ओवरऑल, ओ ओवरऑल में नहीं है। तो अब नहीं है तो क्या करेंगे, ओ की वैल्यू हम इस रिवर्सिबल इक्वेशन से कैरी करेंगे। तो हम यहां से जब ओ की वैल्यू निकालेंगे तो ओ की वैल्यू बराबर हो जाएगी केसी और ओजोन और डिवाइडेड बाय ओटू, और इस वैल्यू को उठाकर इक्वेशन नंबर वन में जो स्लो स्टेप से लिखा है उसमें डाल। तो इस वैल्यू को ओ को यहां पुट करो, ट्राई मारो सारे लोग कि पुट कर पाते हो या नहीं। तो जब हमने इस वैल्यू को पुट किया तो के तो ऑलरेडी है, के सी यहां से आ गया, ओ थ्री का स्क्वायर हो जाएगा और ओ टू सिंगल मॉलिक्यूलर। जब हम इस रेट कांस्टेंट के और के सी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नया रेट कांस्टेंट बना लेंगे, और इस रेट कांस्टेंट का नाम होगा के डैश। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ये के डैश बराबर के सी के बराबर हो। ठीक है ना, तो हो सकता है वो आपको के डैश की वैल्यू दे दे, इक्विलियम कांस्टेंट की वैल्यू दे दे और फिर के पूछे, या के डैश दे दे, के दे दे, के सी की वैल्यू दे दे। पर ये कोई फर्स्ट ग्रेड, ठीक है ना, जेई एडवांस जैसे पेपर में ही पॉसिबल। हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक नया कांस्टेंट बना लिया और ओ थ्री का स्क्वायर हो गया और ओ टू ऐसे लिखा जा सकता है क्या। तो ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में इस रिएक्शन का ऑर्डर माइनस वन हो जाएगा और ओजोन के रेस्पेक्ट में इस रिएक्शन का ऑर्डर प्लस टू हो जाएगा और ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर वन हो जाएगा। क्योंकि जब हम ओवरऑल ऑर्डर निकालेंगे तो टू माइनस वन इज इक्वल टू वन। अब इसकी मॉलिक्यूलरिटी इससे निकलेगी, इसकी ओवरऑल मोलर एक्चुअल में क्या है कि जब कोई रिएक्शन मल्टी स्टेप्स में होती है तो उसके लिए मॉलिक्यूलरिटी टर्म्स ही बेकार। मॉलिक्यूलरिटी इज ए थियोरिटिकल टर्म, मॉलिक्यूलरिटी सिर्फ सिंगल स्टेप रिएक्शन में ही अप्लाइड होती है। सिंगल स्टेप रिएक्शन में ही अप्लाइड है। तो मैं आपको देता हूं एक क्वेश्चन जो आप कर सकते हैं प्राइमर। तो हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 6, टू एनओ प्लस ओ टू की रिएक्शन कराई और टू एनओ टू बनी।
इसकी उसने कुछ मैकेनिज्म दे रखी है, और वो मैकेनिज्म इस तरह है, एनओ प्लस एनओ रिएक्ट टुगेदर कन्वर्ट इनटू N2O2 reacts with O2 and convert into 2NO. यहाँ पर वही आपको फंसाने के लिए फास्ट और स्लो, तो आप ट्राई मारें क्या कर सकते हैं। मैं कुछ मिनट आपका वेट कर सकता हूँ। रेट बराबर सबसे पहले स्लो वाले से लिखा जाएगा, फिर हम देखेंगे स्लो स्टेप में से कौन सा स्टेप, स्टेप नहीं कौन सी स्पीसीज ओवरऑल में प्रेजेंट नहीं है। तो बता सकते हो कौन नहीं है, N2O2 प्रेजेंट नहीं, तो हम केसी लिखेंगे, और केसी में प्रोडक्ट ऊपर रिएक्टेंट नीचे आ जाए। इसमें से हमने N2O2 की वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करेंगे, N2O2 की वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करके उसकी जगह पुट कर, N2O2 की वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करेंगे और पुट कर, N2O2 बराबर केसी एनओ का स्क्वायर हो जाएगा। रेट इज इक्वल टू के केसी एनओ का स्क्वायर और O2। तो जिन बच्चों ने कर लिया है वो चेक कर ले, अगर सही हो गया है तो अपनी पीठ थपथपा ले, और नहीं तो मेड से थपथपा ले। क्लियर है? Yes, आगे बढ़े। हम एक क्वेश्चन यहां पर और डिस्कस करेंगे, और वो क्वेश्चन हमारा क्या है, वो केवल रिवर्सिबल स्टेप प्रेजेंट हो तब कैसे। तो मैं इसको बिल्कुल हटा रहा हूं, क्योंकि ये आपने किया है इसलिए इसको लिखने की ज्यादा देर तक जरूरत है। हमारा अगला क्वेश्चन है ये, एग्जाम्पल नंबर 7, 2NO2 की रिएक्शन जब हम N2O4 से कराएंगे। यहां पर वो हमसे कह रहा है कि NO2 की डिसअपीयरेंस की रेट क्या होगी, NO2 की। यहां पे प्रॉब्लम ये है कि रिएक्शन रिवर्सिबल है, तो कुछ NO2 तो ब्रेक हो रहा है और कुछ NO2 वापिस N2O4 से बन रहा। तो यहां पर हम जो नेट रेट निकालेंगे वो बराबर होगी NO2 इट्स अपीयरेंस रेट, कि NO2 नेट कितना डिसअपीयर हो रहा है, माइनस NO2 फॉर्मेशन रेट। ये ऐसे है कि कोई आदमी पैसा फेंक रहा है और कुछ पैसा उसमें से वापस भी आ रहा है, तो आप पूछे उसने नेट कितना पैसा फेंका, तो जितना पैसा फेंका और जितना वापस आ गया सब्ट्रैक्ट। क्लियर? तो अब हमें एक एक रेट नहीं दो दो रेट निकालनी पड़ेगी। तो हम सबसे पहले लिखते हैं इसके लिए डिफरेंशियल रेट। तो जब हम NO2 के लिए डिफरेंशियल रेट लिखेंगे तो एक तो माइनस साइन आएगा 1/2 dNO2 डिवाइडेड बाय dt इक्वल टू केवल NO2 का स्क्वायर। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट को K1 लिखा है और बैकवर्ड वाले के लिए K2। अब देखो ध्यान से देखना, ये मैंने रेट लॉ से पहले डिफरेंशियल रेट से पहले समझाया था, हमें डिसअपीयरेंस रेट निकालनी है। ये पूरा पार्ट किसके बराबर है,
इसके लिए पीछे वाली वीडियो नंबर वन देखनी पड़ेगी। तो हमें ये वन बाई टू अगर हम यहां से हटाएंगे तो हमारा ये हो जाएगा डी एन ओ टू डिवाइडेड बाय डी टी इज इक्वल टू टू के वन और एन ओ टू का स्क्वायर। ये NO2 के डिसअपीयरेंस की रेट है कि कितना NO2 डिकम्पोज हो गया है। और देखो भैया ये है टफ चीजें, ये टीचर को ही 10-10 साल पढ़ाने के बाद में समझ आती हैं। थोड़ा सा नहीं आए तो घबराने की कोई बात नहीं है, अगर थोड़ा डाउट आ रहा है तो हिम्मत रखो और फोकस रखो कैसे करते। आज भी 50% टीचर इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो NO2 कितना टूट गया, अब हम निकालेंगे NO2 कितना बना। तो जो NO2 के बनने की रेट होगी वो भी 1/2 डी NO2 डिवाइडेड बाय dt, पर अब की बार ये बदल जाए क्योंकि NO2 कितना बनेगा ये N2O4 के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। N2O4 कितना ब्रेक होगा, पर भैया जब फॉर्मेशन या डिसअपीयरेंस रेट निकालते हैं तो ये 1/2 वाला पार्ट नहीं होना चाहिए। यहाँ से जब 1/2 वाले पार्ट को हटाएंगे तो ये हो जाएगा 2K2 क्लियर। अब ये तो NO2 के बनने की रेट है, फॉर्मेशन की रेट है, और ये NO2 के डिसअपीयरेंस की रेट, ठीक है ना। तो NO2 के डिसअपीयरेंस की रेट तो हो गई ये, देख लो भैया, और ये हो गई अपीयरेंस रेट। दोनों को यहां लिख देंगे तो नेट रेट हो जाएगी क्या, 2K1 NO2 का स्क्वायर माइनस 2K2 N2O4। आज भी कई किताबों में ये गलत आंसर मिल जाएगा, किसी में यहाँ का 2 गायब होगा और किसी में यहाँ का 2 गायब होगा, क्योंकि कुछ साल पहले यहाँ 2 नहीं था आंसरों में, बाद में टीचर्स ने सॉल्व किया और देखा इसमें तो 2 आएगा तो फिर से चेंज किया, ठीक है ना। तो अगर ये प्रॉब्लम्स आपको नहीं आती है आराम से देखो, दो बार प्रैक्टिस करो, आ जाएगी, ठीक है। हम देखेंगे इसके बाद एक और रिएक्शन, और वो रिएक्शन है पैरेलल रिएक्शन का रेट लॉ। पैरेलल रिएक्शन का रेट लॉ 12th के लिए बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है, तो अगर आप खाली 12th पढ़ रहे हैं तो इससे दूर रहे। हमने यहाँ पर फिनॉल की रिएक्शन कराई, फिनॉल की रिएक्शन कराई किससे कराई, CH3Cl से कराई, किसके प्रेजेंस में कराई, AlCl3 के प्रेजेंस में। इस रिएक्शन में इसको फ्रीडल ग्राफ रिएक्शन बोलते, तो अब इससे दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक का रेट कांस्टेंट K1 माना जाएगा और दूसरे का K2, और एक में तो ऑर्थो प्रोडक्ट बनाया जाए, और पैरा प्रोडक्ट बने। ऐसी रिएक्शन को पैरेलल रिएक्शन कहते हैं, समांतर अभिक्रिया हिंदी में। इसका जब रेट लॉ लिखेंगे तो रेट बराबर ब्रैकेट में K1 प्लस K2, तो पैरेलल रिएक्शन में K1 और K2 को ऐड किया जाता है, और नॉर्मली यहां पर जो भी प्रोडक्ट का नाम लिखा जाता है तो C6H5OH और दूसरे ब्रैकेट में CH3Cl आ जाएगा, इसमें कैटलिस्ट नहीं लिखा जाएगा, क्लियर है। तो अगर कोई JEE वगैरह का, JEE का, फर्स्ट ग्रेड का, नेट का एग्जाम देना हो तो ही करना, नहीं तो 12th पढ़ रहे हो तो लिख लो, नाइस।
इसका मतलब है नॉट इन सीबीएसई एग्जाम, और अगर कॉम्पिटिटिव पढ़ रहे हो तो ना ही सी, तो उसको ओपन मत करो। क्लियर है? तो यहां पर मैक्सिमम जितने भी पॉसिबल मॉलिक्युलरिटी के क्वेश्चन थे मैंने आपके सामने सॉल्व कर दिए, ठीक है ना। हम इसके बाद में नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, और इस नए टॉपिक का नाम है ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन। तो ये जो रेट लॉ है ये पैरेलल रिएक्शन का रेट लॉ, ये सारे कोर्स गूगल प्ले स्टोर पर किंग केमिस्ट्री के नाम से उपलब्ध है। हम आगे चलते हैं और देखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को करने से पहले समझते हैं ये क्या हो। हमने ए मोल ए और बी मोल बी की रिएक्शन कराई, दोनों की रिएक्शन से प्रोडक्ट बने, और हमें प्रोडक्ट का कोई लेना देना नहीं। जब हम इसका रेट लॉ लिखेंगे तो रेट बराबर के, अब ये जो पावर आएगी ये ए के इक्वल भी हो सकती है और ए के डिफरेंट भी हो सकती है, ये माइनस भी हो सकती है, ये जीरो भी हो सकती है। मैंने यहाँ पर एन लिख दिया, आप एक्स भी लिख सकते हैं और वाई भी लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम। दूसरे में B की जगह B के साथ में हमने इसको M लिख, तो इस रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा, N प्लस M। तो अब हम लिखेंगे सबसे पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन। तो देसी भाषा में देखो साइंस कुछ भी नहीं है, आराम से पढ़ो, और जिस दिन आप साइंस को अपनी बोलचाल की लैंग्वेज में बोलने लगोगे उसी दिन ये आपको आना शुरू हो जाए, एक्चुअल में आप रटते हो। अब ऑर्डर क्या है, रिएक्टेंट की जो पावर है उसका अगर हम सम निकाल लें तो वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इस बात को इंग्लिश में या हिंदी में लिखने पर ऑर्डर की डेफिनेशन बन जाती कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू ऑर्डर रिएक्शन इक्वल टू सम ऑफ रिएक्टेंट पावर प्रेजेंट इन रेट। हिंदी में इसे अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। अभिक्रिया की कोटि रिएक्टेंट क्रियाकारक की जो पावर है उसके उसकी जो पावर है उसके योग के सम के बराबर हो, और देसी भाषा चलती है कॉम्पिटिटिव में, एक रिएक्टेंट के पावर को जोड़ दो तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो ये हमारा हो गया टोटल ऑर्डर, ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर एन है और बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर एम। कुछ नोट करने वाली बातें हैं, और वो नोट करने वाली बातें हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। जब एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है तो हम पेपर में तो भैया एक्सपेरिमेंट करेंगे कहां से, तो पेपर में हम इसको कैसे निकाल सकते। पेपर में निकालने के दो ही तरीके बचे, या तो आपको घर से याद होनी चाहिए, वो आपको ऐसी रिएक्शन देगा और ये एक्सपेक्ट करता होगा कि फलाने एक्स बच्चे को ये याद हो या इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन हो। तो ऐसे ही लिख लेना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या क्वेश्चन पेपर में दिया होगा, और नहीं तो कैसे याद करना है, इसको याद करना है, ये मैं बताऊंगा कि किस रिएक्शन का ऑर्डर आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, और वो बहुत ही कॉमन रिएक्शन होती है, जैसे रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन या न्यूक्लियर रिएक्शन जो फिजिक्स में पढ़ते, उसका ऑर्डर हमेशा वन हो। ऑक्सलिक एसिड का डिकम्पोजिशन फर्स्ट ऑर्डर, N2O5 का डिकम्पोजिशन फर्स्ट ऑर्डर फिक्स,
कोई भी लाइट रिएक्शन हो मोस्टली जीरो ऑर्डर, क्लियर? जो लाइट की प्रेजेंस में फोटो रिएक्शन, फोटो केमिकल रिएक्शन, ठीक है? यहां तक किसी को डाउट है तो देखना, ये क्वेश्चन एक बार बहुत ही एंशियंट टाइम में एम्स में आया था, आसपास का क्वेश्चन, तो अब तो एंशियंट टाइम ही हो गया एक तरीके। इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, टोटल ऑर्डर? वन प्लस टू माइनस वन इज इक्वल टू टू। इस रिएक्शन का टोटल ऑर्डर इतना हो जाएगा। क्या किसी रिएक्शन का ऑर्डर फ्रैक्शन में भी आ सकता है? ऑर्डर फ्रैक्शन में भी पॉसिबल है। क्या जीरो हो सकता है? हाँ। क्या नेगेटिव हो सकता है? आज ही निकाला था ओजोन वाली रिएक्शन में ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में ऑर्डर नेगेटिव था, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की कोई भी वैल्यू पॉसिबल। एक टाइम था जब हम पढ़ते थे तो हमको कहा जाता था ऑर्डर तीन से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, और लॉजिक ये था कि तीन एक्सेस होती हैं, एक्स वाई जेड एक्सेस, उन तीन एक्सेस पर तीन मॉलिक्यूल ही कोलाइड कर सकते हैं। पर आज 12th की बुक में ऑर्डर फोर है, जबकि BSc की बुक में आज भी लिखा हुआ है कि ऑर्डर तीन से ज़्यादा पॉसिबल नहीं, ठीक है? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की कोई भी वैल्यू पॉसिबल है, माइनस प्लस, और हो सकता है किसी दिन फिफ्थ ऑर्डर की रिएक्शन भी मिल जाए। अभी तक फोर्थ ऑर्डर की रिएक्शन आ चुकी, तो यहां पर हम डिस्कस करेंगे रेट कांस्टेंट की यूनिट। टॉपिक डाल लिया जाए यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालने के दो मेथड हैं, एक ट्रिक से और एक जो नॉर्मल मेथड। नॉर्मल मेथड में कैसे निकालते हैं, रेट बराबर के और कॉन्सेंट्रेशन की पावर एन होता है, तो हमें के की वैल्यू निकालनी है तो रेट तो आ जाएगा भैया ऊपर और कॉन्सेंट्रेशन की पावर आ जाएगी नीचे। की यूनिट फिक्स होती है मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट होती है मोल्स पर लीटर और टाइम की यूनिट है सेकेंड, क्लियर? और कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट हो जाएगी मोल्स पर लीटर और पावर है। अब जिस ऑर्डर के लिए पूछे आप उसको पावर में रखकर डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो। एक तरीका तो ये एग्जाम्पल जीरो ऑर्डर के, जीरो ऑर्डर के लिए एन की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो इस वैल्यू को जगह पर डिवाइडेड बाय मोल्स पर लीटर के पावर जीरो हो जाएगी, तो ये तो खत्म ही हो गया, तो यही आंसर आ। और यहां पर MCQ क्वेश्चन बनेगा 12th क्लास के लाइक, कि किस ऑर्डर के रेट कांस्टेंट की वैल्यू, किस रिएक्शन के रेट कांस्टेंट की वैल्यू रेट की यूनिट के इक्वल होती है, क्या आंसर होगा? किस ऑर्डर का रेट कांस्टेंट की वैल्यू रेट की यूनिट के इक्वल होती है? तो जीरो ऑर्डर की रेट कांस्टेंट की वैल्यू रेट के इक्वल होगी, क्लियर? दूसरा मेथड ट्रिक मेथड है मोल्स पर लीटर पर सेकंड। यहां पर एन में से वन माइनस करेंगे और यहां पर वन में से, तो अगर हम जीरो ऑर्डर लिख ले तो ये हो जाएगा एम वन माइनस जीरो, जीरो माइनस वन सेकेंड इनवर्स, बराबर हो जाएगा मोल्स पर लीटर पर। देखो किसी को डाउट है?
एन की जगह पर ऑर्डर रख दी। जब हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए लिखेंगे तो अब एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? फर्स्ट ऑर्डर में जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू है वो सेकंड इनवर्स भी हो सकती है, वो डे इनवर्स भी हो सकती है, वो मिनट इनवर्स भी हो सकती है, और वो ईयर इनवर्स भी हो सकती है। ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन के। अगर हम सेकंड ऑर्डर के लिए देखें तो ये हो जाएगी 1 - 2, 2 - 1 सेकंड इनवर्स, मोल -1 - 1 सेकंड इनवर्स। मेरा प्रैक्टिकल अनुभव ये है कि बच्चा ये भूल जाता है कि लीटर में एन माइनस होगा या मोल्स में हो, मतलब पहले एन किस में आएगा, ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है। तो अब इससे बचने का यूज ये है कि लीटर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, क्या सही बात है? सेकंड ऑर्डर में लीटर पॉजिटिव होता तो इससे आप बच सकते हो। सेकंड ऑर्डर में कोई भी एक चीज याद रख लो कि लीटर पॉजिटिव होता है जीरो को छोड़कर। अब थर्ड में रख लो, थर्ड में रखेंगे तो 1 - 3, 3 - 1 सेकंड इनवर्स, मोल माइनस वन लीटर, सॉरी -2 लीटर 2 और सेकंड इनवर्स। अब हम लिखेंगे ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 3/2, तो इसको आप ही करके देखें तो ज्यादा बेटर। तो 3/2 रखने के लिए हमने 1 में से 3/2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया और यहां पर लीटर में 2/3 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया सेकंड इनवर्स। हमें लगता है कि आप माइनस तो कर ही सकते और नहीं कर सकते तो भैया 2 थप्पी अपने पेट पर मारो और कहो कि कर सकते। कभी कभी गैसियस रिएक्शन होती और गैसियस रिएक्शन का ठीक है ना जो के की यूनिट है वो ऐसे निकाली जाती है एटमॉस्फेयर लीटर, और यहां हमारा हो जाएगा 1 - n और सेकंड इन। तो अगर इसी 3/2 वाले की निकाले तो क्या हो जाएगी? 1 - 3/2 का थर्ड नंबर का क्वेश्चन है आई थिंक। एसिटाइल्डिहाइड के डिकम्पोजिशन का ऑर्डर 3/2 है तो ओवरऑल ऑर्डर क्या? ओवरऑल ऑर्डर तो गिवन है 3/2, ऐसे गिवन है क्वेश्चन रेट इज इक्वल टू के CH3CHO की पावर 3/2। इसके लिए के की वैल्यू मोल्स पर लीटर में और एटमॉस्फेयर लीटर में कैलकुलेट, के की वैल्यू मोल्स पर लीटर में और एटमॉस्फेयर लीटर में कैलकुलेट, दोनों में कैलकुलेट। तो एटमॉस्फेयर लीटर में निकालने का फॉर्मूला ये है और मोल्स पर लीटर में निकालने का फॉर्मूला ये, जो अच्छा लगे उसको रख लेना बाकी पड़ोसी को दे दे कि इससे तू निकाल। हमने यहाँ पर के की यूनिट निकाल ली, अब हम चल रहे हैं ऑर्डर के एग्जांपल ऑफ ऑर्डर। एग्जाम्पल ऑफ ऑर्डर में हम सबसे पहले ऑर्डर पढ़ रहे, सबसे पहले हम स्यूडो ऑर्डर की रिएक्शन पढ़ रहे ठीक है। स्यूडो ऑर्डर की रिएक्शन क्या होती है? स्यूडो को हिंदी में कहते हैं छदम, झूठा। किसी का ऑर्डर तो लिखा हो बन लेकिन वो झूठा हो, वो कैसे देख?
इस हिंदी में इसको छद्म कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। तो ऐसा कैसे कहते हैं, जब किसी रिएक्शन में कोई रिएक्टेंट एक्सेस में प्रेजेंट हो तो हम उसके कॉन्सेंट्रेशन वाले टर्म्स को रेट लॉ में से हटा देते हैं, जब भी वो एक्सेस में प्रेजेंट, कैसा प्रेजेंट हो, एक्सेस। एक क्लास में एक लड़का पढ़ता है और 99 लड़कियां, है ना? तो बताओ उस क्लास का ऑर्डर क्या, क्योंकि 99 बहुत एक्सेस में है, तो हम 99 गर्ल्स को रिमूव कर दें, एक लड़का रह जाएगा, तो क्लास का ऑर्डर हो जाएगा स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। 200 बच्चे, लेकिन हमने एक्सेस वालों को हटा दिया, ठीक है? तो जब किसी रिएक्शन में एक्सेस में लिखा हुआ हो तो उसको हटा देना। H2 अगर रिएक्टेंट साइड में लिखा हो तो बिना पूछे हटा देना, बिना पूछे हटा दे। तो पहला एग्जाम्पल ये है, ये हमारा एस्टर है, वाटर के साथ गए, तो एक एसिड और एक अल्कोहल बन गए। अब जब ये एक्चुअल में इसका रेट लो तो ऐसा होना चाहिए कि यहां पर एस्टर और यहां पर जब भी H2O रेट लो में हो या रिएक्टेंट साइड में हो, रेट लॉ में तभी आएगा जब रिएक्टेंट साइड में होगा, तो इसको एक्सेस मानकर हटा देना। तो अगर हमने इसको हटा दिया तो ये के डैश हो जाएगा, और ये के डैश किसके बराबर होगा, और H2O की कॉन्सेंट्रेशन इस केस में 55.5, या जो नहीं दे रखी हो तो 55.5, या जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी। तो देखो एक्चुअल में तो दो मॉलिक्यूल थे पर एक एक्सेस में था, तो हमने इसको हटा दिया, तो अब ये रिएक्शन हो गई स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये रिएक्शन हो गई स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर है, यहां पे ये क्वेश्चन बनता है, एक रिएक्शन का रेट लॉ ये है, अगर ए एक्सेस में हो, ए एक्सेस में हो तो बताओ हर्ट्ज इसका ऑर्डर क्या होगा, सेकंड नहीं स्यूडो सेकंड ऑर्डर, स्यूडो सेकंड ऑर्डर, और अगर बी एक्सेस में लिखा हो तो फर्स्ट। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। इन दोनों क्वेश्चन में से ही एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है, ध्यान रखना बेटा, अगर यहाँ H2O की जगह NaOH आ गया तो फिर ये सूडो ऑर्डर नहीं रहेगी, तब इसका ऑर्डर सेकंड है। H2O ही लिखा होना चाहिए, या एसिडिक मीडियम में एस्टर की हाइड्रोलिसिस। अगर उसने बेसिक लिख दिया तो फिर इसका ऑर्डर सूडो नहीं आता है, तब ये सेकेंड ऑर्डर की काइनेटिक्स कहलाती है। तब ये सेकेंड ऑर्डर की काइनेटिक्स है। हम इसके बाद में पढ़ने वाले हैं एक नया ऑर्डर, और उस नए ऑर्डर का नाम है फोर्थ ऑर्डर। हम एक्चुअल में रिवर्ट ऑर्डर में पढ़ रहे हैं, रिवर्ट ऑर्डर, क्योंकि इनमें हमको कुछ ज्यादा पढ़ने को है नहीं।
जो हमारी फोर्थ ऑर्डर की रिएक्शन है वो ये है कि ClO3 की रिएक्शन जब हम Cl नेगेटिव से 6H प्लस की प्रेजेंस में कराते हैं तो ये 3Cl2 ठीक है ना, ये 5Cl माइनस है तो 3Cl2 और 3H2O बन गया। और इस रिएक्शन का जो रेट लॉ है, इस रिएक्शन का जो रेट लॉ है वो है रेट इज इक्वल टू के ClO3 माइनस Cl माइनस और H प्लस टू। अब कहेगा ये वन टू वैल्यू कहाँ से आई? बच्चे ने पूछा क्वेश्चन अभी कि H प्लस टू कहाँ से आए, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में जाओ और वहां हिंदी में एक लाइन लिखाई थी हिंदी में, ऑर्डर या तो वो क्वेश्चन में देगा या घर से याद होना चाहिए। इस रिएक्शन में H के रेस्पेक्ट में ऑर्डर टू है, तो ये क्वेश्चन जेई में आया और जेई में उसने कहा कि अगर हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दे, ऑर्डर नहीं दिया उसने, बोला कि अगर हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दें तो रेट कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, तो 4 times इंक्रीज हो जाएगी। तो एक रिएक्शन तो ये है जिसका ऑर्डर फोर्थ है, और दूसरी ये रिएक्शन का ऑर्डर फोर्थ है। अगर इसके अलावा कोई आपको पता लगे डेफिनेट कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, एक रिएक्शन और है जिसका ऑर्डर फोर्थ है। मोस्ट प्रोबेबली ये दो ही हैं, ये 12th क्लास की एनसीईआरटी में गिवन है, तो इसलिए बड़ी चीज नहीं है। अब देखेंगे इसके बाद कौन सा ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन में जो रेट होगी वो 3 मॉलिक्यूल के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगी, या 3 अलग अलग हो जाएंगे ए बी सी, या ऐसे हो जाएगा ए स्क्वायर बी, या ए और बी स्क्वायर, या बहुत सारे मेथड। बॉस यहां पर थर्ड ऑर्डर की एक रिएक्शन आपको ये याद करनी, और यहां पर अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए ये याद रखना कि SnCl2 इज अ वेरी पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। कभी लाइफ में किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में SnCl2 आ जाए, H2S आ जाए या फॉर्मल्डिहाइड आ जाए और पूछे किसकी तरह बिहेव कर रहा है, तो ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं डालते, बिना जोर डाले कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये यूनिवर्सल रिड्यूसिंग एजेंट टाइप का है, ये H2S फॉर्मल्डिहाइड, तीनों में से कोई भी कभी दिख जाए, कोई पूछे क्या काम करेगा, तो अपने दिमाग पर जोर मत डालना और बिना जोर डाले कहना क्या रिड्यूसिंग एजेंट। दूसरी रिएक्शन ये है कि जब हम NO की रिएक्शन O2 से कराते, NO की रिएक्शन आपसे एग्जाम में किसी से भी करवाए, वैसे तो देखो NO ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, पर अगर थियोरिटिकल पूछे NO के साथ चाहे Cl2 दे या F2 दे, आपको थर्ड ऑर्डर ही करना है। तो जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो 2NO2 बन जाता, और इस रिएक्शन का ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन दो रिएक्टेंट पे या एक ही रिएक्टेंट के डबल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड है। इसका रेट लॉ ऐसा हो जाएगा के ए का स्क्वायर, या फिर हो जाएगा के ए बी, या के
वी हैव और कई सारी टाइप, चार हो सकते। इससे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो हमको याद कर लेना चाहिए, और पहला इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल यही है। इस रिएक्शन को जनरली बच्चे स्यूडो ऑर्डर के नाम से रट लेते हैं क्योंकि उनको पूरा याद नहीं होता, सिर्फ इतना याद कर लेते हैं एस्टर का, एस्टर कहीं दिख जाए तो स्यूडो ऑर्डर, और एस्टर का फॉर्मेशन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है और ये एस्टन टू मैकेनिज्म। ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक में इसको ए ए सी टू टाइप्स मैकेनिज्म भी कहते हैं। इसका मतलब है एसिड कैटालाइज अम्ल उत्प्रेरित रिएक्शन जिसमें एसाइल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, तो इस रिएक्शन का कैटालिस्ट एच प्लस। दूसरी रिएक्शन है केनिजारो, कुछ केनिजारो का ऑर्डर दिया हुआ है पर मैं अभी भी स्टिक हूं केनिजारो सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन। इसके बाद में और भी कई रिएक्शन है और वो है इथीन का हाइड्रोजनेशन। ये आजकल सबसे हॉट रिएक्शन है, इथीन का हाइड्रोजनेशन आज की तारीख में सबसे हॉट रिएक्शन है कि इसका ऑर्डर क्या हो। ये सेकेंड ऑर्डर की काइनेटिक्स को फॉलो करती, दूसरा ओजोन का डिकम्पोजिशन जो आज देखा था, ओजोन का डिकम्पोजिशन ओजोन के रेस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर, और नहीं तो पर सल्फेट आयन की रिएक्शन जब हम 2I- से करते हैं तो ये सेकंड ऑर्डर की काइनेटिक्स को फॉलो करते। ये मेरे हिसाब से 12th के लिए तो थोड़ा ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर नीट जेई वालों के लिए, फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए अच्छा क्वेश्चन बन सकता। और अब हम सेकेंड ऑर्डर के बाद कौन से ऑर्डर को डिस्कस करें, तो हम इसको फर्स्ट ऑर्डर को डिस्कस। फर्स्ट ऑर्डर में रिएक्टेंट एक ही होगा या फिर दो रिएक्टेंट आधा आधा भी हो सकते हैं। वो है रेडियो एक्टिव रिएक्शन या न्यूक्लियर रिएक्शन। ये फिजिक्स में भी आते हैं, तो फिजिक्स में न्यूक्लियर फिजिक्स में न्यूमेरिकल पोर्शन में फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के ही सारे एग्जांपल फॉर्मूले अप्लाइड हो, रेडियो एक्टिव और न्यूक्लियर है। दूसरा है वायरस बैक्टीरिया, डेंगू इंटरेस्टेड, डेथ रेट ग्रोथ रेट। अगर कोई बैंक में पैसा जमा करने जाता है और पूछे कितने टाइम में धन दुगना हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स लगाकर कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में ही निकाला जा सकता। कुछ साल पहले जब कोरोना का बहुत जोर था तो अखबार में या टीवी पर स्टैटिक्स आती थी 21 दिन में इतने मरीज हो जाएंगे, आती थी 21 दिन बाद कोरोना कम हो जाएगा, तो वो काइनेटिक्स पर बेस थी। वो देखते थे पर डे कितने मरीज आ रहे हैं और उसको कांस्टेंट मानकर फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स में रख देते। तीसरा एग्जांपल है, आजकल ये थोड़ा सा हॉट चल रहा है, डायज़ोनियम क्लोराइड का डिकम्पोजिशन। और फोर्थ एग्जांपल NO5 का डिकम्पोजिशन, NH4NO3 का डिकम्पोजिशन।